प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज एक बहुत ही गंभीर विषय को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह विषय में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक क्लिप्स थोड़ा सामने जो बनाया है डाला है इस क्लिप्स को देखें। जो क्लिप्स हमें बस आज ही मिला है, मैं चाहता हूँ कि आप इस क्लिप को देखें और इस क्लिप को देखने के बाद हम आगे जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप गौर से देखिएगा कि किस प्रकार एक व्यक्ति परमेश्वर के बातों को नकारता है या फिर पवित्र आत्मा के बातों को वो डायरेक्ट शैतान की बातों कहता है। आप देखिएगा, सुनिएगा और साथ ही साथ हम उसके आगे बात करेंगे। पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता किसी भी तरीके से। कंप्लीट फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन ओपन चैलेंज है। वापस कह रहा हूं, एक भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति ने प्रार्थना किया, परमेश्वर का आत्मा ने उसको पीठ के बल, नॉट मुंह के बल, पीठ के बल नीचे गिराया हो। आज की कलीसिया 90%, मेरा ये जो 90% का आंकड़ा है ना, किसी के गले नहीं उतर रहा है। सेवक लीडर एक्स वाई जेड जब तक हाथ रखे नीचे नहीं गिराता, उसको ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट है। अगर विश्वासी पहले से है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर है। जब पवित्र आत्मा पहले से अंदर है, आप हाथ रखते हो तो क्या हो रहा है, नीचे कैसे गिर रहा है? अगर उसको नीचे ही गिराता है पवित्र आत्मा, तो जब वो घर से निकला था तो गिर गिर के क्यों नहीं पहुंचा? जब घर पहुंचता है चर्च से, तो चर्च से घर पहुंचने तक गिर गिर के घर क्यों नहीं पहुंचा? सड़क पे नहीं गिरता, गाड़ी में नहीं गिरता, क्या लगा के रखा है तमाशा? तो वापस कहता हूं ये स्टेटमेंट, पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता, नहीं गिराता, नहीं गिराता। जब पवित्र आत्मा का यह कॉन्सेप्ट नहीं है नीचे गिराने का, तो यह 90% गिराते क्यों है और यह 90% गिरते क्यों है, मेरा प्रश्न है। और इनको गिराता कौन है? सीधी लाइन बोलूं, 100% की बात, शैतान गिराता है। देखा आपने किस प्रकार यह व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा के विषय में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जो पवित्र आत्मा के सेवा में कभी बहा नहीं है, या फिर उस स्तर पर परमेश्वर ने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, वो ऐसी बातों को नाम रख रहा है या फिर निंदा कर रहा है। अब यह जो क्लिप आप देखने पर है, इस क्लिप को देखें और फिर उसके बाद आगे हम वचन में जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी कम ऑन, आर यू रेडी? That little boy will never be the same again. Pick him up. Did you feel that? Yes. Describe it. Yes. Describe it. Can you describe it? Yes. Well, what was it like? The power. Power. Was it like tingly, tingly? Yes. It's marvelous. You're going to be a mighty man of God one day. Mighty man of God. God bless you, baby. Help his mom up and grandma. Look at this, your grandma's healed. Isn't this wonderful? What did you tell him? I want to quit smoking. You want to quit smoking? Hey, Zach, there's such power on you. Why don't you lay your hands on your grandma, ask God to help her quit smoking. Whoa, 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 whoa. He is shocked. The little boy is shocked. In the last days it shall come to pass, says the Lord, I will pour my spirit upon all flesh. All the soldiers behind me. Todos los soldados detrás mío. You want the power of God? ¿Quieren el poder de Dios?
When I pray for you now, cuando ore por ustedes ahora, God is going to fill you with the Holy Spirit. El Señor los llenará del Espíritu Santo. All of you. A todos. Your Jesus. Touch. Touch. Fill them with the Holy Ghost. Llénalos con tu Espíritu Santo. Fill them with the Holy Ghost. Llénalos con tu Espíritu Santo. Prio. आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं पास्टर बेनहीन का, और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरकर काम करते हैं। पहला वीडियो, यानी जो पास्टर बेनहीन का पहला वीडियो आपने देखा, जहां पर पास्टर बेनहीन बिना छुए बिना हाथ लगाए एक लड़के के लिए प्रार्थना करते हैं और वो छोटा बच्चा नीचे गिरता है, और वो छोटा बच्चा जब अपने दादा दादी के लिए प्रार्थना करता है तब उसके दादा दादी नीचे गिर जाते हैं। आप इस चीज़ को कैसे शैतान का कार्य कह सकते हैं। उसके बाद आपने और एक वीडियो देखा होगा जहाँ पर पास्टर बेनहीन मिलिट्री के लोगों से, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मिलिट्री के लोगों के लिए। अब वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मिलिट्री के लोग अच्छे बुद्धिमान लोग हैं, और जब वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो लोग भी नीचे गिर जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अच्छे से नहीं देखा होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दोबारा उस वीडियो को देखना। जब वो नीचे गिर जाते हैं तो वहां पर वो पश्चाताप कर रहे हैं, वहां पर वो कुछ बातें परमेश्वर से कर रहे हैं, और आप वो चीजों को देखना चाहिए। इस चीज को कैसे कोई व्यक्ति शैतान का कार्य कह सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जो आज के जो प्रीचर है, प्रचारक है, वो कमजोर दिल के हैं। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका हृदय अगर कमजोर हो गया सेवकाई में, तो आप छोटी सी सेवकाई को लेकर मरते दम तक शायद आप वो छोटी सी सेवकाई में बिजी रहोगे। हम जान सकते कि इन दिनों में दो प्रकार के सेवक है। पहले प्रकार के वो सेवक है जो बस अपनी अपनी सेवा में बिजी है, उनको कुछ लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन दूसरे जो प्रकार के जो सेवक है, जहां पर उनको मसीह के दिह में कोई भी अगर समस्या दिखाई देती है तो वो शांत नहीं बैठ सकते। जब आप पौलुस की किताब को पढ़ोगे, यानी जब बातों को पढ़ोगे, पौलुस की किताब नहीं लेकिन पौलुस की जो बातें हैं, जब आप उन बातों को पढ़ोगे प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में, जब वो देखता है कि जहां जिस देश में मूर्ति पूजा की होती है उसका जी जल जाता है। साथ ही साथ जब आप दाऊद के बारे में पढ़ोगे, जब गोलियाद परमेश्वर को ललकारता है, प्रभु के लोगों को ललकारता है, प्रभु के लोगों को बुरा भला कहता है, प्रभु को बुरा भला कहता है, तो वो शांत नहीं बैठता है। वो कहता है कि ये है कौन खतना रहित व्यक्ति जो मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है, जो मेरे परमेश्वर के विरोध में बात करता है, अब मैं शांत नहीं रह सकता। साथ ही साथ उसी प्रकार इस प्रकार के जो लोग हैं, इस समय परमेश्वर एक बड़ी मात्रा में उन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपको गलतियां दिखाई दे रही है, परेशानियां दिखाई दे रही है, दिक्कतें दिखाई दे रही है, तो प्रियो आपको शांत नहीं रहना है, लेकिन आपको उन बातों का खंडन कर रहा है, क्योंकि वो आपके परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब जितने भी मसीह मंथन के जो फॉलोअर्स है, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, आप जिस अगुए के पीछे चल रहे हैं, वो अगुआ सच में शैतान के बहकावे में आ गया है, और वह व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण बनने पर है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की बातों की निंदा करने की वजह से आप क्या कर रहे हो मालूम है क्या? श्राप को अपने ऊपर खींच कर ले रहे हो। प्रभु श्राप नहीं देता है, लेकिन मनुष्य स्वयं उन बातों को अपने ऊपर खींच कर लेते हैं, और यह चीज आप लोग कर रहे हैं। इसलिए आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। आपका लीडर, आपका अगुवा बार बार ये कहता है कि डंके की चोट पर, डंके की चोट पर, कोई व्यक्ति मुझे बाइबल से साबित कर बताए, कोई व्यक्ति मुझे बाइबल से सिद्ध कर बताए, एक भी वचन जहां पर पवित्र आत्मा किसी को नीचे गिराता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत सारे हाथ से आज आपके सामने रखना चाहता हूं, और बहुत सारे स्क्रिप्चर है जहां पर लोग नीचे, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदे या चुनकर मैंने कुछ वचन आपके सामने बांटना चाहता कि आपकी आंखें खुल जाए। मेरा मकसद किसी को निंदा करना नहीं है, किसी को गिराना नहीं है, लेकिन सच बात बोलना यह बहुत जरूरी है, और परमेश्वर हमें सामर्थ दे रहा है इस समय सच बात को आपके सामने रखने के लिए। सबसे पहली बात या सबसे पहला वचन, पहले राजाओं किताब
अध्याय 8 वचन 10 और 11, साथ ही साथ दूसरे इतिहास की किताब अध्याय 5 और वचन 14। मैं आपने आपसे पहले भी कहा था कि अगर एक हादसा दो जगह पर लिखा जाता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर एक भारी संदेश या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है। यहां पर जब ये दो शास्त्र भाग में आप पढ़ोगे, यहां पर ऐसा लिखा गया है कि जब याजक सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर के भवन में थे तो परमेश्वर का महिमा वहां पर उतर आया और वो सेवा करने के लिए खड़े नहीं रह सके। इसका मतलब है कि वो गिर गए, वो खड़े नहीं रह सके। परमेश्वर का सामर्थ्य जब आता है तो लोग खड़े नहीं हो पाते, लोग नीचे गिरते हैं। अब आप इसे गलत ठहराना चाहोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपको वचन से बताया है। दूसरा वचन, जब आप यूहन्ना की किताब अध्याय 18 में पढ़ोगे, जहां पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, जब आप मत्ती के 26वें अध्याय में पढ़ोगे, वो जगह थी गत्समनी की बाग, जब आप लुका की 22वें अध्याय में पढ़ोगे, वचन 40 से आगे पढ़ोगे, तो वहां पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे अपने पिता से और कह रहे थे कि अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर लेकर चले जाए। और बाइबल कहता है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्गदूत आकर वहां पर उन्हें सामर्थ दे रहा था, ऐसा लिखा गया है वचन में, स्वर्गदूत आकर उन्हें सामर्थ दे रहा था। और जब यीशु मसीह की प्रार्थना खत्म हो गई, उन्होंने बहुत सारी बातें अपने चेलों को सिखाई कि तुम प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना फंसो, और उसके बाद ऐसा हुआ कि यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ गया बहुत सारे जो सैनिक को लेकर, और उसके बाद वो सैनिक पूछते हैं कि यीशु नासरित कौन है। यीशु कहता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, वो कहते हैं कि यीशु नासरित को। यीशु कहते हैं मैं हूं, और जैसे ही वो कहते हैं कि मैं हूं, सब लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अगर आप इंग्लिश अनुवाद में पढ़ोगे, एम्पलीफाइड वर्शन में पढ़ोगे, वहां पर लिखा गया है दे फॉल बैकवर्ड, कि अब शैतान ने उनको गिराया। नहीं, आप समझ पाते कि जो लोग प्रार्थना करते हैं एक अद्भुत सामर्थ उनके जिंदगी पर होता है, और जब वो कुछ चीजों को करते हैं या कहते हैं तो वो सामर्थ जो है प्रभाव डालता है। वो सामर्थ मैं आपको कहना चाहता हूं ना, लोगों में प्रवेश करता है या कुछ बंधनों को तोड़ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं वो सामर्थ, अब लोग अनुभव नहीं किए वो उनका प्रॉब्लम है, और लोग जब अनुभव नहीं करते, उनको अनुभव नहीं है उनका, वो कहते हैं कि मैं 20 साल या 30 साल सेवकाई में हूं, बड़े बड़े सेवक लोग के साथ मैं उठाऊं बैठाऊं। भाई सीखा क्या है आपने, सीखा क्या है? और आप इस चीज को कैसे कह सकते हो कि यह शैतान का काम है? वो कहते हैं कि यह शैतान का काम है, गिराना शैतान का काम है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल शैतान का काम नहीं है। देखो, अगर आपने हमारी सभा को अटेंड किया है, और जब अगर आप मेरे पास कभी प्रार्थना के लिए आए हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, हम भी गिराते नहीं है, और मुझे पसंद नहीं है गिराना, लेकिन मैं इस चीज को नकार नहीं सकता हूं कि काफी बार परमेश्वर के अभिषेक के वजह से लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। मैं जब किसी पर प्रार्थना करता हूं तो मैं उनके सर पे भी हाथ रखता हूं और सर के पीछे भी हाथ रखता हूं, और बहुतायक बार जब लोग गिरने जैसे करते हैं तो मैं उनको संभालता हूं कि वो गिरे नहीं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से गिरते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे को देखकर गिरते हैं, वो बात अलग है, मैं उन चीजों को सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं ना, काफी बार परमेश्वर के अभिषेक के वजह से लोग गिर जाते हैं, और ऐसे बहुतायक बार हुआ है। एक दिन जो प्रभु के महान जन चार्ल्स फिनी, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, एक महिला नीचे गिर गई, और जब वो महिला नीचे गिर गई, वो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई तो व्यक्ति नीचे गिर गया, और जब वो महिला नीचे गिर गई, किसी को मालूम नहीं था, लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है, चार्ल्स फिनी कहेगा मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये महिला को उठाएंगे ताकि ये महिला बता पाए। और जब उन्होंने उठाने की कोशिश की, कुछ समय तक वो महिला नहीं उठी, लेकिन कुछ समय के बाद जब महिला उठी तो वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, वो प्रभु की महिमा करने लगी। मैं आपको कहना चाहता हूं ना प्रियो, कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, प्रभु भला है, परमेश्वर अच्छा है,
और यही बातों को उस महिला ने भी कहा। अब लोगों ने इन चीजों को अनुभव नहीं किया, उससे हम कुछ नहीं कर सकते, उससे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि शारीरिक मन वाले लोग या शारीरिक लोग इन चीजों को नहीं समझ सकते। और जो भी मसीह मंथन के लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका अगुआ एक तो शायद शत्रु ने उनको बहका दिया है, इसलिए वो बहकी बहकी सी बातें करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी बात कि आप बहुत सारी गलत शिक्षाओं के आदि आ गए हो, बहुत सारी गलत शिक्षाओं के, आपका जो नींव है वो गलत पड़ गया है, आप घमंड के शिकार हो गए हो, आप लोगों को निंदा करने का शिकार हो गए हो, आप लोगों का विरोध करने का शिकार हो गए हो। हम आपको समझाना चाहते हैं, आप सुधर जाइए, अन्यथा आप बहुत बड़ी गड़बड़ी को आप अनुभव करोगे, आप बहुत बड़ी गड़बड़ी को अनुभव करने पर हो। आपके अंदर वो शांति नहीं है जो परमेश्वर ने आपके अंदर भरी है, आप समझ पा रहे हो। हम किसी भी तौर पर आपको श्राप नहीं दे रहे, हम बस आपको समझा रहे हैं, आप समझिए, क्योंकि परमेश्वर की बातें इंसान की बातें नहीं है, परमेश्वर की बातें बहुत अद्भुत है, और यहां पर स्वर्ग नरक का सवाल है, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है, आपको जानना बहुत जरूरी है। आप इन बातों को जानें, आप इन बातों को समझें। आप कोई भी चीज करने से कम 100 बार सोचें। और मैं आपको बताऊं एक बात, आप लोगों के पास स्कॉलर्स नहीं है, आप ढूंढ के देखिए कि आप लोगों के पास कौन से स्कॉलर्स है। ज्यादा लोग एक टाइम में जुड़ते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो सही है। आपके पास बाइबल सिखाने वाले अच्छे स्कॉलर्स चाहिए, जो परमेश्वर के वचनों का सही अनुवाद कर पाए। आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब आधे दिमाग के लोग हैं, और वो जो चाहे वो परमेश्वर के वचनों को बना देते हैं, तोड़ के मरोड़ के, जैसे उनको अच्छा लगता है वैसे बना देते हैं। अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो मसीह मंथन से जुड़े हुए, जो साथ में मिलकर सेवा कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या आपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, क्या कभी लोग गिरे नहीं? अगर आप कहोगे नहीं गिरे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिसके यहां पर लोग गिरते हैं, क्या वो शैतान से भरा हुआ है आपको लगता है? अगर आप कहते हो हां, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हो। और अगर आप कहते हो कि नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपके लीडर को आपको बोलना चाहिए। और जब आप उन्हें बोलते हो, अगर वो अपने आप को करेक्ट नहीं करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप इससे ही समझ जाओ कि वो कौन से ट्रैक पर चले गया है, वो कौन से ट्रैक पर चले गया है, वो कौन से ट्रैक पर चले गया है, इसको समझने का प्रयास करो। मैं आपको दूसरा चीज बताना चाहता हूं। पहला बात तो मैंने आपको बताया कि लोग गिरे, अब दूसरा बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों लोग गिरते हैं। जब अभिषेक उतरता है या प्रभु की उपस्थिति लोग अनुभव करते हैं, तो क्यों लोग गिरते हैं? उसका कारण यह है कि परमेश्वर की जब उपस्थिति आती है या परमेश्वर का प्रेजेंस जब आता है, तो लोग अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं शरीर के तौर पर। दानियल किताब अध्याय 8 वचन 27 में जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा गया है कि एक स्वर्गदूत जब दानियल से बातें करता है, उसे रेवलेशन देता है, उसके बाद वो दानियल अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता है। आपके हिंदी अनुवाद में सही नहीं लिखा है कि बीमार महसूस करता है, क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर कोई बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन इंग्लिश अनुवाद में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि वो पूरी तौर पर थका हुआ महसूस करता है, वो कमजोर महसूस करता है, क्योंकि उसका जो शरीर है परमेश्वर की उपस्थिति में मानो कमजोर सा हो गया है, और इसी के वजह से लोग गिरते हैं।
जब आप प्रकाशित वाक्य 1:17 पढ़ोगे, वहां पर योहन्ना इतना बड़ा रेवलेशन जिसने लिखा, वो कहते कि जैसे उसने यीशु को देखा वो मुर्दों सा हो गया, यानी उसके शरीर में जान नहीं रहा, ऐसा हो गया। परमेश्वर की भारी उपस्थिति में मानो शरीर कमजोर सा हो जाता है और उसी के वजह से लोग गिरते हैं, उसी के वजह से, वो एक कारण है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुत जोर जोरों से दानियल कहता है कि डंके की चोट पर कि एक भी स्क्रिप्चर बताओ जहां पर पवित्र आत्मा गिराता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभार परमेश्वर शारीरिक तौर पर इसलिए गिराता है ताकि वो आत्मिक तौर पर उभार पाए। अब जब आप प्रेतों के काम अध्याय 9:3-5 तक जब आप पढ़ोगे, या तो फिर आप 1 से ही जब आप पढ़ोगे, यहां पर शौल नाम का एक व्यक्ति है जो आगे को पॉल बन गया। यह व्यक्ति कलीसिया पर सताव लाने के लिए वो दमस्कस को जाता था कि वहां की जो कलीसिया है वो वहां की कलीसिया पर सताव लाए। और अचानक जब ये घोड़े पर ट्रेवल कर रहा था, तभी ही उसी समय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, हम कह सकते हैं, या प्रभु की रोशनी उस पर आई और प्रभु का आवाज उसने सुना और वो नीचे गिर गया। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे बहुत सारी बार जब पवित्र आत्मा आता है तो लोग मुंह के बल गिरते। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर नहीं लिखा कि वो मुंह के बल गिरा, यहां पर नहीं लिखा। कभी कभार मुंह के बल गिरते वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब परमेश्वर का आत्मा किसी को छूता है या अभिषेक उतरता है तो ऐसी बातें होती है। हम नहीं कह सकते, कुछ लोग जानबूझकर गिरते हैं वो बात अलग है, कुछ लोग जानबूझकर दबा दबा कर गिराते हैं लोगों के सर पर हाथ रखकर, हाँ वो बात अलग है, उन बातों को हम खंडन करना चाहिए, वो बात सही नहीं है। लोग अपने आप से गिरते हैं वो बात भी सही नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की मौजूदगी में, प्रभु की उपस्थिति में वो सब चीजें होता है, हम उन्हें नकार नहीं सकते। आपको यह बात समझना है, आपको यह बात जानना है, और आप कैसे कह सकते हैं कि यह शैतान का काम है, आप कैसे कह सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि यह शैतान का काम है। आप यह कह सकते हैं कि यह बात नहीं करना है, यह इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आप अब क्या इस पौलुस को शैतान ने गिराया था? जब आप 5 पढ़ोगे, वहां पर पौलुस सवाल करता है कि प्रभु आप कौन है, और यीशु कहते कि मैं यीशु हूं। यानी जैसे यीशु ने बातें की, लोग यानी पौलुस गिर गया वहां पर। यीशु ने कहा मैं हूं, आई एम, यानी परमेश्वर उनका सबसे क्या कहते हैं ना, महत्वपूर्ण नाम जो मूसा को दिया गया था, जाके कह देना मैं हूं। और वही यीशु कहते हैं कि मैं हूं। जब वो कहते हैं मैं हूं, लोग पीछे हटकर गिर जाते हैं। क्या दुष्टात्मा ने उनको गिराया? क्या शैतान ने उनको गिराया? नहीं भाई, यीशु ने कहा मैं हूं और उसी के वजह से गिर गया, उसी के वजह से वो लोग गिर गए। आप इसे समझने का प्रयास करें, इसे जानने का प्रयास करें। अगर आप इन बातों को नहीं जानोगे तो आप शत्रु के शिकार बन जाओगे, क्योंकि आप दोष लगाने वाले लोग बन जाओगे। क्योंकि जहां पर भी ऐसे काम होता है आपको कह रहे यार शैतान गिरा रहा है। मैं आपको कहूं प्रियो, बहुत सारे बड़े बड़े सेवक लोगों के साथ बहुत सारे सेवक लोग उभरे हैं, ये भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पास्टर बेनहीन जब भारत में आए हुए थे, आप क्लिप्स देखिएगा जाकर उनका, बहुत सारे पुलिस वाले उनके स्टेज पर आए प्रार्थना करने के लिए, उन्होंने छुआ नहीं, उन्होंने उनके लिए जैसे ही प्रार्थना किया पुलिस वाले नीचे गिर गए। ये तो अनबिलीवर थे, ये तो गैर मसीह थे। तो क्या शैतान ने इनको गिराया? नहीं, प्रभु ने उन्हें छुआ और जब उन्होंने प्रभु के सामर्थ्य को महसूस किया वो गिर गए नीचे। अब और एक बात, यशायाह किताब अध्याय 10:27 में जब आप पढ़ोगे, लिखा गया कि अभिषेक जुओं को तोड़ता है, अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। Anointing breaks the yoke, अभिषेक जुओं को तोड़ता है। और जब
परमेश्वर का अभिषेक आता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जुए टूटते हैं, बंधने टूटते हैं, और जब बंधने टूटते हैं लोग अपने आप को आजाद महसूस करते हैं, और उसी की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। हर समय नीचे नहीं गिरते। अब कोई व्यक्ति कहता है, डैनियल कहता है शायद, कि लोग अगर प्रभु ने छूता है तो गिर गिर कर घर पर क्यों नहीं जाते, घर से गिर गिर कर चर्च क्यों नहीं आते। पौलुस गिरा ना, पौलुस गिरा। अब जो लोग बार बार गिरते वो कॉन्सेप्ट अलग है, जो लोग खुद से गिरते वो कॉन्सेप्ट अलग है, लोग जिनको जबरदस्ती गिराते वो कॉन्सेप्ट अलग है। मैं भी उन चीजों के विरोध में हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि हम ये नहीं कह सकते कि शैतान इनको गिराता है। आपको रिपेंट करने की जरूरत है, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि आप परमेश्वर के विरोध में स्वयं खड़े हो गए हो। आप इसे जानने का प्रयास करिए, आप इसे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आप डेंजर जोन में चले गए हो। और जो लोग इनके फॉलोअर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी डेंजर जोन में चले गए हो। आप आंखें बंद कर कर किसी को फॉलो नहीं करें, अपने बाइबल को पढ़े। मैंने तो आपके सामने काफी सारे स्क्रिप्चर रख दिए जहां पर लोग गिर गए नीचे, और भी ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर है प्रियो, और भी ऐसे बहुत सारे वचन है, लेकिन आप सुधर जाओ दुर्घटना से पहले। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, मसीह में आपका भाई होने के वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आप कर रहे क्या हो। इस पर फोकस करो, इस पर ध्यान करो, इस पर ध्यान करो, इसको समझो कि परमेश्वर क्या करते हैं, प्रभु का आत्मा क्या करता है। और मैं साथ ही साथ आपको यह कहना चाहूंगा ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे एक 50-60-70 साल के व्यक्ति को सलाह नहीं दे, क्योंकि उन व्यक्ति ने जो अनुभव किया है, मैं आत्मिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, मैं एक शारीरिक तौर पर कह रहा हूं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो 50 साल वाले जो उम्र के बुजुर्ग है, अगर वो उन्हें काउंसिल करते हैं कि देखो आपका शादीशुदा जीवन ऐसे है, आपके बच्चे ऐसे होना चाहिए, आपके बच्चे उस प्रकार की बातें करना चाहिए, आपके बच्चे आपको आदर सम्मान देना चाहिए, तो वो कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार आत्मिक स्तर में अगर आप उस लेवल में नहीं पहुंचे हैं, आप उस स्तर में नहीं पहुंचे हैं, तो उस स्तर के बारे में बात मत करें। पहले आप उस स्तर में पहुंचे हैं, उसके बाद आप बात करें। अगर पवित्र आत्मा ने आपका मार्गदर्शन किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस लेवल पे अगर आपने मिनिस्ट्री किया है तो आप अगुवाई करें, नहीं तो आपका जो लेवल है उसी लेवल के अनुसार बात करें। अगर आपके मिनिस्ट्री की जो लेवल है ये घुटने के नीचे वाली लेवल है, तो आप घुटने के नीचे वाली बात करें। आप पूरा जो तैरने वाली जो सेवकाई है, आप उसके बारे में बात मत करें, उस अभिषेक के बारे में बात मत करें, अन्यथा क्या होगा मालूम है क्या, आप स्वयं परमेश्वर के बैरी बन बैठोगे, आप स्वयं परमेश्वर के दुश्मन बन बैठोगे। आप तो वैसे ही परमेश्वर के लोगों को अपना दुश्मन मानते ही हो, कि आप परमेश्वर को भी अभी अपना दुश्मन मान लेते हो। मेरा एक ही सवाल है भाई आप लोगों के लिए, क्या कभी आप लोगों ने प्रार्थना किया और लोग गिरे हैं या नहीं? और अगर वो गिरे हैं, सच पूरे अपने आप से पूछना, अपने दिल से पूछना, मुझे गलत साबित करने के लिए या मुझ पर वीडियो बनाने के लिए या मेरे वीडियो पर कमेंट करने के लिए, आप प्लीज आपको जो चाहे वो कमेंट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूं। आप जो कमेंट करना है करो, अगर मुझे लगा किसी का रिप्लाई देना है तो ही मैं रिप्लाई देता हूं, अन्यथा मैं रिप्लाई नहीं देता हूं। आपको आपको जैसे कमेंट करना है करो, और मेरा कमेंट जो ऑप्शन है वो मैं बंद नहीं करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं वचन आधारित सिखा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा प्रियो, जैसे कि मैंने गतसमनी के बाग में बाग वाली हादसे को मैंने बताया, एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह, यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं, और लोग गिर जाते हैं। मत्ती की किताब में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह अपने चेलों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कहते हैं प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना फंसो।
लुका की किताब में ऐसा लिखा गया, सेम वही हादसा है, वही जगह है, वहां पर लिखा गया कि स्वर्गदूत आकर उन्हें अभिषेक देते हैं, या स्वर्गदूत आकर उन्हें स्थिर करते हैं, स्वर्गदूत आकर उन्हें मजबूत करते हैं। जो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से जो भर जाते हैं, और जब वो सेवा करने निकलते हैं प्रभु अद्भुत चीजें करता है, बंधने टूटते हैं, जो गैर मसीह है वो भी गिरते हैं, जो मसीह है वो भी गिरते हैं। ठीक है, अब जो गैर मसीह है जब वो गिरते हैं तो प्रभु कुछ ना कुछ अद्भुत चीजें उनके जीवन में कर रहा होता है जब वो गिरे हुए होते हैं, और जो मसीह लोग हैं जब वो गिरते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, मसीह लोग भी बॉन्डेजेस में होते हैं, शैतान उनके अंदर नहीं आता है, शैतान उनके अंदर नहीं आ सकता, लेकिन बंधने होते हैं जिसे हम माइंड बॉन्डेजेस कहते हैं, यानी हमारे मन में बहुत सारे मजबूत गढ़ होते हैं जो शत्रु बनाता है। शत्रु अंदर नहीं आता है, शैतान अंदर नहीं आता है, लेकिन जो बंधने हैं, बंधन जो है वो बांधता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने घर को पूरी तौर पर अच्छे से, आपके विंडोज दरवाजे अच्छे से अगर आप बंद करके एक महीने दो महीने के लिए बाहर चले जाओगे, और जब बाहर से वापस अपने घर पर आओगे आप क्या देखोगे मालूम है क्या? बहुत सारे जाले और बहुत सारे धूल मिट्टी देखोगे। अब वो आया कहां से? हालांकि आपने पूरा पैक कर दिया था, लेकिन फिर भी आप घर पर आने के बाद वो चीज आपको दिखाई देगा। उसे कहते हैं बॉन्डेजेस, उसे कहते हैं बंधन। जाने अनजाने में कुछ चीजें हमारे मन में चलती है, कुछ बातें हमारे मन में चलती है, कुछ चीजें को हम देखते हैं, कुछ बातों पर मनन करते हैं, और उसी की वजह से बहुत सारे बॉन्डेजेस आ जाते हैं। और जब परमेश्वर का अभिषेक उतरता है तो बॉन्डेजेस टूटते हैं, बंधने टूटते हैं, और जब बंधने टूटते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं व्यक्ति आजाद हो जाता है, और जब व्यक्ति आजाद हो जाता है मैं आपको बताना चाहता हूं ना, फिर वो अपने आप को हल्का महसूस करता है, और उसी की वजह से वो प्रभु के उपस्थिति में या अभिषेक में खड़े नहीं हो पाता है। सो मैंने अपना एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, मैंने आपको समझाया है, और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं प्लीज़ अपना बाइबल पढ़ें, अपने आँखों पर पट्टी बांध कर प्लीज़ फॉलो नहीं करें किसी को, क्योंकि लोग बहका रहे हैं, लोग बहका रहे हैं। इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, इन चीज़ों को जानने का प्रयास करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करूँगा, और प्रभु आपको इस समय छुए और आपको हर प्रकार के बंधन से मुक्त करें। थैंक यू जीसस। पिता फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से उन तमाम लोगों को जो इस समय हमें देख रहे हैं प्रभु जी, उनको हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु, और प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर प्रकार की गलत शिक्षा यीशु के नाम से मैं श्रापित करता हूं, हर प्रकार की जो गलत धारणाएं जो है यीशु के नाम से मैं श्रापित करता हूं, और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो गलत बातें इनके अंदर जड़ पकड़ लिए प्रभु जी, उन्हें मैं तोड़ता हूँ प्रभु जी, आप इन्हें आजाद करें यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप अनुग्रह करें, साथ ही साथ हम दानिय्येल के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, आप उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि वो आपकी बातों को जान पाए प्रभु, लोगों को भटकाए नहीं लेकिन परमेश्वर वे सही तौर पर मार्गदर्शन करें। प्रभु आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तमाम मसीह लोगों के लिए प्रभु जी, जो बहकावे में आ गए प्रभु जी, उनके बंधनों को हम तोड़ते हैं, और प्रभु जी जो आपके बच्चे आपके संतान है प्रभु ने सुरक्षित रख, प्रभु आपका शांति हर एक लोगों में कहते हैं, आपने कृपा दया के धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन। साथ ही साथ मैं पासबानों से कहना चाहूँगा, जितने भी पास्टर हैं सेवक हैं, आप मुंबई से, महाराष्ट्र से, भारत से, या विदेश से, कहीं से भी आप हो सकते हैं, सच्ची बातों को बोलने के लिए डरो मत। जो व्यक्ति सच्ची बातों को कहने के लिए डरता है परमेश्वर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। दाऊद जब तक उसने ये नहीं कहा कि यह व्यक्ति जो खतना रहित है वो कैसे मेरे परमेश्वर को ललकार सकता है, या मेरे परमेश्वर के बारे में बुरा भला कह सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, तब तक जो अभिषेक उसका हुआ था वो काम नहीं कर रहा था, अभिषेक होने के बाद भी वो नॉर्मल जीवन बिता रहा था, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर का, जो व्यक्ति विरोध कर रहा था उसके विरोध में जब ये खड़ा हो गया, आपने देखा होगा किस प्रकार प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया। अगर परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, अद्भुत बातों के लिए बुलाया है, तो आप खड़े हो जाइए,
डरपोक बनकर ना रहे, झूठे लोगों को सुनकर अपने ही दो चार लोगों के साथ डिस्कस नहीं करें, लेकिन राष्ट्रों के सामने लाए, क्योंकि आप राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण ठहरने पर हो। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर यह वीडियो के द्वारा आपने जो भी बात सीखा है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारा जो नंबर व्हाट्सएप नंबर आपके पास पहुँचा होगा या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप व्हाट्सएप करिएगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। गॉड ब्लेस यू।